नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर में यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल बाहर एक संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ है। कहां पर यह हुआ, किस तरह से हुआ, क्या पूरी जानकारी है, साफ तौर पर संपर्क करेंगे अपने संवाददाता के पास। इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, पहले तो पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए आशा, ये दिन का 1 बजे का वक्त था और 1 बजे के वक्त जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जो है स्टूडेंट्स का एक हजूम पाया जाता है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी गेट के बाहर ही यानी जो सर सैयद के नाम से है वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई तरह की दुकानें हैं जिसमें लेडीज आइटम या साथ ही साथ बच्चों की आइटम वगैरह वहां पर बेची जाती है। और बताया ये जा रहा है कि दिन के ठीक 1:00 पर वहां पर एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और मिस्टीरियस ब्लास्ट की वजह से कुछ दुकानें डैमेज हुई है और साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो खासतौर पर जो कैजुअलिटीज को लेकर या फिर हम कह सकते हैं कि जख्मी जो हुए हैं उन्हें वहां पर शिफ्ट किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 लोग जो है लोकल जो है इस ब्लास्ट की वजह से थोड़े से हिट हुए हैं, जिसकी वजह से पहले उनको लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जो कि हबक के नजदीकी लोकल अस्पताल में है और बाद में उन लोगों को शिफ्ट किया गया है 16 इंस्टीट्यूट जो कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है वादी कश्मीर का। और खासतौर पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, सैनिटाइज किया गया है और पूरी जो जांच पड़ताल है वो चल रही है आखिरकारी इंसिडेंट कैसे हुआ, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो सिक्योरिटी पॉइंट लेकर वहां पर जो ऑलरेडी जो है सीसीटीवी कैमरा की सारी जो चीजें हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है। अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो तीनों बलों की तैनाती वहां पर की गई, जल थल वायु सेना सब वहां पर इस वक्त मौजूद, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से घटना सामने आई है, क्या लगता है कौन लोग थे, कहां से यहां पर पहुंचे? देखिए जाहिर सी बात है 370 वादी कश्मीर में जब से हट चुकी है तब से गैर अलानिया हड़ताल है और हड़ताल के साथ साथ अगर देखा जाए तो कारोबारी इदारे जो है बंद पड़े हुए हैं और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो लोकल लेवल पर जो लोग हैं वो सुबह थोड़ा सा 1 घंटे के लिए स्ट्रीट मार्केट खोलते हैं, उसके बाद सारी चीजें बंद होती है। सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंजिंग फेज है क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है कह नहीं सकते हैं कि वादी कश्मीर के हालात ठीक है क्योंकि ये तीसरा वाका है शहर में। पहले आपने देखा होगा हरी सिंह हाई स्ट्रीट, उसके बाद गनी खान और आज यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर। लेकिन इरफान ऐसा नहीं लगता कि बौखलाहट बहुत ज्यादा है, इन लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है? सीआरपीएफ जो है वो उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, जिसकी पुलिस वहां पर है तो जाहिर सी बात है उनके लिए चैलेंजिंग है और जिस तरीके से ऑलरेडी वार्निंग्स जो है वो पेश आई थी कि बताया ये भी गया था कि मुकम्मल हड़ताल रखी जाए, एलडब्ल्यू के पोस्टर्स जो है वो शाया किए गए थे। कह सकते हैं कि दहशत और खासतौर पर जो डरावनी वाली बात है जो लोगों में वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इरफान लोग जो है वो डरने वाले नहीं है क्योंकि दहशत से वो डरने वाले नहीं है, साफ तौर पर आम जनता से जितनी भी बातें हुई हैं तो उनका यही कहना था कि दहशत से वो डरने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर एक ही बात सामने निकल कर आ रही है क्योंकि इन लोगों में बौखलाहट बहुत ज्यादा है और आम जनता को परेशान करने की कोशिश बार बार की जा रही है, लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर अपने जनजीवन में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लौटाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कामकाज वहां पर चल रहा है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जो कि ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। साफ तौर पर यह भी बताते चले कि जल थल वायु सेना को वहां पर तैनात किया गया है, सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं, कमर हर वक्त वहां पर कसी हुई है और किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।